सुप्रभात प्यारे बच्चों, आपका हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम सीखेंगे हिंदी वर्णमाला में ओ से ओखली, औ से औरत, औ से औरत, ओ से ओखली, औ से औरत, औ से औरत। ओके प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम ओ से ओखली और औ से औरत की पहचान करेंगे और इनको लिखना सीखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप मुझे बताओ, ओ से ओखली, ओ से, ओ से ओखली, ओ से ओखली, ओ से ओखली, ओ से ओठ, ओ से ओठ, ओ से ओम, ओ से ओम, ओ से ओस, ओ से ओस, ओ से ओठ, ओ से ओम, ओ से ओस, ओ से ओठ, ओ से ओम, ओ से ओंस, ओ से ओखली, ओ से ओखली। फिर से दोहराएंगे, ओ से ओखली घर में लाओ, ओ से ओखली घर में लाओ, पीसो मसाले चटनी बनाओ, पीसो मसाले चटनी बनाओ, ओ से ओखली घर में लाओ, पीसो मसाले चटनी बनाओ, ओ से ओखली घर में लाओ, पीसो मसाले चटनी बनाओ, ओ से ओखली घर में लाओ, पीसो मसाले चटनी बनाओ, ओ से ओठ, ओ से ओम, ओ से ओस। वेरी गुड प्यारे बच्चों, अब हम ओ से ओखली लिखना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, आपको दूसरी लाइन से शुरू करना है, एक दो। सबसे पहले हम आधा गोल बनाएंगे, फिर हम दूसरा आधा गोल बनाएंगे, अब हम एक छोटी सी लेटी हुई लाइन बनाएंगे, एक सीधी लाइन बनाएंगे, एक और सीधी लाइन बनाएंगे और पहली लाइन में एक तिरछी लाइन बनाएंगे और ऐसे घुमा देंगे। इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? मात्रा। इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? मात्रा। फिर से बनाते हैं, हमें दूसरी लाइन से शुरू करना है, एक दो। सबसे पहले हमें आधा गोल बनाना है, फिर दूसरा आधा गोल बनाना है, फिर एक छोटी सी लेटी हुई लाइन बनानी है, फिर एक सीधी लाइन बनानी है, एक और सीधी लाइन बनानी है और फिर पहली लाइन में एक तिरछी लाइन बनानी है और ऐसे घुमाना है। ओ से ओखली, ओ से ओखली, ओ से ओखली। फिर से बनाते हैं, आपको दूसरी लाइन से शुरू करना है, एक दो। सबसे पहले हम आधा गोल बनाएंगे, फिर दूसरा आधा गोल बनाएंगे, फिर एक छोटी सी लेटी हुई लाइन बनाएंगे, फिर एक सीधी लाइन बनाएंगे, एक और सीधी लाइन बनाएंगे और मात्रा लगाएंगे। क्या बन गया प्यारे बच्चों? ओ से ओखली, ओ से ओखली, ओ से ओखली, ओ से ओठ, ओ से ओम, ओ से ओस, ओ से ओठ, ओ से ओम, ओ से ओस। अब आपको मैम के साथ दोहराना है, ओ से ओखली घर में लाओ, पीसो मसाले चटनी बनाओ, ओ से ओखली घर में लाओ, पीसो मसाले चटनी बनाओ, ओ से ओठ, ओ से ओम, ओ से ओस। वेरी गुड प्यारे बच्चों, ये कौन सा अक्षर है?
औ से औरत, औ से औरत, औ से औरत, औ से औरत। अब आपको मैम के साथ दोहराना है, औ से औरत बड़ी महान, औ से औरत बड़ी महान, सदा करें उसका सम्मान, सदा करें उसका सम्मान। औ से औरत बड़ी महान, सदा करें उसका सम्मान, सदा करें उसका सम्मान। औ से औरत बड़ी महान, सदा करें उसका सम्मान। औ से औजार, औ से औलाद, औ से औषधि। औ से औरत, औ से औजार, औ से औलाद, औ से औषधि। औ से औरत, औ से औजार, औ से औलाद, औ से औषधि। वेरी गुड प्यारे बच्चों, अब हम औ से औरत लिखना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, हमें दूसरी लाइन से शुरू करना है, एक दो। पहले आपको आधा गोल बनाना है, फिर आपको एक और आधा गोल बनाना है, एक छोटी सी लेटी हुई लाइन बनानी है, एक सीधी लाइन बनानी है, एक और सीधी लाइन बनानी है, और फिर आपको पहली लाइन में ऐसे दो तिरछी लाइन बनानी है, और फिर ऐसे घुमाना है। इनको क्या बोलते हैं? मात्रा। तो दो मात्रा, एक दो, दो मात्रा, है ना। तो ये क्या बन गया? औ से औरत, औ से औरत। फिर से बनाते हैं, आपको दूसरी लाइन से शुरू करना है, एक दो। सबसे पहले आधा गोल बनाना है, फिर दूसरा आधा गोल बनाना है, फिर एक लेटी हुई लाइन बनानी है, सीधी लाइन बनानी है, एक और सीधी लाइन बनानी है, फिर पहली लाइन में दो तिरछी लाइन बनानी है, और फिर ऐसे घुमाना है। तो क्या बन गया प्यारे बच्चों? आओ से औरत, आओ से औरत, आओ से औरत। फिर से बनाते हैं, आपको दूसरी लाइन से शुरू करना है, एक दो। सबसे पहले आधा गोल बनाना है, फिर दूसरा आधा गोल बनाना है, फिर एक छोटी सी लेटी हुई लाइन बनानी है, फिर एक सीधी लाइन बनानी है, एक और सीधी लाइन बनानी है, और पहली लाइन में आपको दो मात्रा बनानी है, ऐसे। तो ये क्या बन गया प्यारे बच्चों? आओ से औरत, आओ से औरत, आओ से औजार, आओ से औजार, आओ से औलाद, औ से औलाद, औ से औषधि, औ से औषधि, औ से औषधि, औ से औजार, औ से औलाद, औ से औषधि, औ से औजार, औ से औलाद, औ से औषधि। अब आपको मैम के साथ दोहराना है, औ से औरत बड़ी महान, सदा करें उसका सम्मान। औ से औरत बड़ी महान, सदा करें उसका सम्मान। औ से औजार, औ से औलाद, औ से औषधि। वेरी गुड प्यारे बच्चे, तो आज आपको ओ से ओखली और औ से औरत की पहचान करनी है और इनको लिखना सीखना है। आपकी आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। अलविदा।